जैसे जैसे नवाज शरीफ पैनामा में फंसता गया, जवाब दे नहीं सका कि जब आपने कहा कि आपकी मेफेयर के महलात आपके हैं, तो आपसे दो दो सवालों का जवाब देना था कि किधर से पैसा आया और पाकिस्तान से बाहर पैसा कैसे गया। ये दो सवाल के जवाब दे नहीं सके और उन्होंने तब से हमले शुरू कर दिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान के पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, GIIT के ऊपर, अब NAB के ऊपर और पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमले इन्होंने करने शुरू किए, लेकिन डर डर के हुआ। फिर क्या, ये एक और मैं चीज़ कह दूँ, ख़त्म नबूवत। अब ये सिंपल चीज़ थी, आपने ज़फ़रुल हक कमेटी बिठाई थी, आपने सिर्फ ये बताना था कि क्या वजह थी, कैसे आपने वो अमेंडमेंट लेके आए जो कि 1974 की असेंबली ने 23 दिन लगा के वो अमेंडमेंट लेके आए थे 1974 में, आप अगर उसे चेंज करना चाहते थे तो खुफिया तौर पे क्यों किया, क्यों नहीं आपने आपने आप असेंबली के फ्लोर पे लेके आते और कहते जी चेंज करनी है, और पकड़े गए, पहले झूठ बोला फिर पकड़े गए, और उसके बाद इन्होंने ज़फ़रुल हक कमेटी बिठाई, शहबाज शरीफ ने कहा कि बिल्कुल गलत हुआ है और उनको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। ये जो डॉन लीक्स, ये जो ख़त्म नबूवत, ये सारी एक कड़ी आ रही है। इसमें है क्या, इसमें नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अपील कर रहे हैं मुझे बचाओ। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मेमोगेट था, उसमें हसैन हकानी जाके अमरीकनों को कह रहे हैं कि जनाब हम आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचाओ। तो ये अपने ही मुल्क के सरबरा बाहर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, हम बेबस हैं। अब नवाज शरीफ को बजाए अपनी करप्शन के बताएं कि जनाब ये पैसा बाहर कैसे गया, पैसा किधर से आया, उन्होंने ये जो अटैक्स किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन्होंने, ये जो अब इस सारे सिनारियो के अंदर आप डॉन लीक्स आ गए, क्या ज़रूरत है आपको अभी फैसला करने के लिए कि जनाब ये, और मैं ये पढ़ता हूँ, ये शहबाज शरीफ और खाकान अब्बासी कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के मीडिया ने गलत समझ लिया है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कुछ और था और समझ कुछ और लिया, जबकि नवाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। तो ये क्या उसने कहा है, ये ज़रा मैं पढ़ दूँ आपको ताकि ये कोई गलत फहमी ना हो, या शायद खाकान अब्बासी इसमें से कोई और मतलब ले, या शहबाज शरीफ। वो वाज़े तौर पे कहता है कि हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी उन दहशतगर्दों को जिन्होंने 150 लोग मारे हैं। किसने इजाज़त देनी थी, पाकिस्तान की स्टेट ने इजाज़त देनी थी। क्यों हिंदुस्तान का मीडिया खुशी बना रहा है, क्योंकि वो हमेशा ये कह रहे थे कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनके पीछे पाकिस्तान की फौज है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। तो जब नवाज शरीफ ने ये कहा और बुला के सिरल को बुला के मुल्तान खास तौर पे जब इंटरव्यू दिया और कह रहा है कि मैं इसके साथ खड़ा हूं, ये पूरी सोच समझ के उसने कहा, इसने पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया, और मैं अभी आपको बताता हूं क्या नुकसान पहुंचाया है। इसने सोच समझ के ये कहा है कि यहां से जो लोग गए दहशतगर्द, वो पाकिस्तान की स्टेट रोक सकती थी उनको, मतलब कि हमारे, हमने भेजे हैं। दूसरी बात वो कहता है कि ये जो ट्रायल थी ये हमने क्यों रोक दी, ये हिंदुस्तान का मौका फिर आ गया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने पूरी कोशिश की, पाकिस्तान का मौकफ है, दो इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार और वो